एक ऐसी मूवी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो जब रिलीज होगी तब इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा सा धमाका कर देगी, और धमाका भी ऐसा होगा जिसमें छोटे मोटे फिल्मों का रिकॉर्ड दिखाई भी नहीं देगा। और हाँ, फिर भी उसे झुकाने के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमिल सब खड़े थे, लेकिन नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। यहाँ दोस्तों आपने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों पुष्पा मूवी जब 2021 में आई थी तब उसकी हाइप इतनी नहीं गई थी, और तो और पुष्पा मूवी को इतना सपोर्ट भी नहीं मिला था, लेकिन पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन के दमदार एक्टिंग और पिक्चर की देसी स्टोरी के कारण पुष्पा था तो एक विलन के कैरेक्टर वाला हीरो, लेकिन उसे पब्लिक ने असल का हीरो बना दिया। पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं। दोस्तों मैं झुकेगा नहीं साला इस डायलॉग को पिक्चर में ही नहीं, पुष्पा ने असल में भी सही साबित कर दिया है। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन को चंदन की लकड़ी के स्मगलिंग बिजनेस में सक्सेस मिलने के बाद पुष्पा और शिखावत के बीच में लड़ाई हो जाने के बाद पिक्चर का एंड हुआ था और नेक्स्ट पार्ट आने वाला था जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। दोस्तों पुष्पा मूवी में पब्लिक रिव्यू इतने सॉलिड मिले कि जब फिर से पुष्पा 2 द रूल का छोटा सा टीजर रिलीज हुआ तब पूरे सोशल मीडिया में भूचाल सा हो गया था। जहाँ भी देखे वहाँ पुष्पा ही पुष्पा था। सिर्फ 2-3 मिनट के टीजर के कारण पिक्चर की इतनी हाइप बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पुष्पा 1 पार्ट के मुकाबले पुष्पा 2 बहुत ही भयंकर वाली स्टोरी होने वाली है। पुष्पा के मुकाबले पुष्पा 2 मूवी में बिजनेस की तरक्की, कलेश, बिग फाइट एंड एक साधारण से गांव में रहने वाले डॉन में से पुष्पा की इंटरनेशनल डॉन बनने की कहानी हो सकती है, या फिर बदले की आग भी हो सकती है, ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। अभी कुछ ही महीनों पहले पुष्पा द रूल का एक छोटा सा टीजर रिलीज हुआ था और टीजर के मुकाबले देखे तो पुष्पा मूवी में पुष्पा का गुम हो जाना, पुष्पा की खबर आना, फिर पुष्पा का खून की खबर आना, फिर पुष्पा का जिंदा होना, ये सब पिक्चर में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके की कड़ियां दी गई है। ठीक वैसा ही एक ऐसी फिल्म के साथ में हुआ था जिस फिल्म की कहानी में भी ऐसी सस्पेंस थी। आज वो फिल्म इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी है, जी हाँ, जिसका नाम है बाहुबली। बाहुबली मूवी में बाहुबली 1 के एंड में मेकर्स ने एक सस्पेंस और एक सवाल छोड़ा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक वैसा ही सस्पेंस बनाने वाली मूवी एक और भी है जिसका नाम है KGF। यहाँ दोस्तों KGF मूवी में भी ऐसी सेम सिचुएशन हुई थी। KGF मूवी में गरुड़ा को मारने के बाद रॉकी राजा बन पाएगा कि नहीं, या फिर गरुड़ा के आदमी रॉकी को भी वही मार देंगे। फिर दूसरे पार्ट में भी सस्पेंस क्रिएट किया गया था। रॉकी का जहाज समुद्र में डूब गया था और सोना भी डूब गया था, लेकिन रॉकी के साथ में क्या हुआ ये कुछ स्टोरी नहीं बताई गई थी। उसी के साथ चलते हुए लोगों ने अपने अपने नजरिए से अलग अलग स्टोरियां बनाने चालू कर दी। अब जब मूवी आएगी तभी देखेंगे कि असल रॉकी के साथ में हुआ क्या था। एक उसी तरह पुष्पा मूवी में भी डायरेक्टर ने ऐसी ही पहेली छोड़ी थी कि पुष्पा की एक तरफ तो शादी हो रही है और दूसरी तरफ पुष्पा शेखावत के साथ में लड़ाई करके आ गया है। अब मेकर्स ने असल में मूवी में क्या स्टोरी बनाई है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा की रिलीज डेट भी आ गई है, अब तो 15 अगस्त 2024 को ही रिलीज होगी, लेकिन तो मूवी के सामने सिंघम 3 भी उसी डेट को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि सिंघम वर्सेस पुष्पा होगा या फिर दोनों मेकर्स समझकर मूवी की डेट को बदलेंगे या फिर यही होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो याद से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।